संकल्प से सिद्धि का सफर मंधान डैम, कांग्रेस की नाकामी और वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के सौतेले व्यवहार का स्मारक है ये मंधान डैम। आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंधान डैम का निरीक्षण किया। ये परियोजना पराशी एवं जन्नारदेव विधानसभा के लिए 35 साल पहले स्वीकृत हुई। मंधान डैम परियोजना जिसकी लागत 1982 में 9 करोड़ के आसपास थी, कांग्रेस के शासनकाल में इस परियोजना को सिर्फ लटकाने का काम ही हुआ। यदि ये डैम अपने निर्धारित समय पर बनकर तैयार हो जाता तो इससे 60 किलोमीटर के लगभग 250 गांव और 7 नगरीय क्षेत्र इस परियोजना से 35 साल पहले ही लाभान्वित होते। 1991 में जब मध्य प्रदेश में पटबाजी की सरकार बनी तो इस परियोजना की फाइल पुनः चलना शुरू हुई। लागत हुई 16.5 करोड़ के आसपास, तो सरकार ने तय किया कि आधा पैसा मध्य प्रदेश सरकार देगी और आधा पैसा वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी सामाजिक दायित्व के अंतर्गत देगा। तत्कालीन कोयला मंत्री रामविलास पासवान ने स्वीकृति भी दी। तभी मध्य प्रदेश की सरकार बर्खास्त हो गई और 1993 में चुनाव में भी श्री दिग्विजय सिंह प्रदेश में जो कुंडली मार के बैठे उन्होंने सारे कार्य ठप कर दिए। आज ये मधान डैम हमारा बंद पूर्ण हो गया है और इसका पानी हमारे पेच एरिया के साथ साथ कनान एरिया में भी जुन्नारदेव विधानसभा में ये पानी डुंगरिया तक पहुँचेगा। मैं आदरणीय तारकचंद मिश्रा जी को और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत ही बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो ये पानी जो है हमारा अक्टूबर में शुरुआत होने जा रहा है, जिससे जनता को पानी मिलेगा और निश्चित है कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। प्रदेश के नेताओं ने किया उसका परिणाम है कि डैम बनके आज यहाँ पे तैयार हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से, जब ये डैम की यात्रा शुरू की थी नंगे पैर यात्रा, कांग्रेस के मित्रों ने जो आज वर्तमान विधायक उन्होंने इसको नौटंकी कहा था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि डैम बने कांग्रेस से उसका पानी डीपेंगे? नौटंकी कहने वाले उसका पानी डीपेंगे? इस डैम में आकर के वो शर्मनाक बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या हाथ झूठे आरोप लगा रहे हैं। हम तो बुनियादी बात कर रहे हैं, इसके डैंग डिजाइन को आने के लिए रोका गया था। हमने केंद्र सरकार को विधायक रहते हुए अल्टीमेटम दिया कांग्रेस सरकार को, क्या क्या इसके डिजाइन समय पर आएगा, हड़ताल करेंगे। दौड़ के भाग करके कंपनी का डायरेक्टर यहाँ पर आया कि बाबा जी हड़ताल मत करिए, हम समय समय पर एक एक आंकड़े हमारे पास में। मैं तो खुले चुनौती देना चाहता हूँ कमलनाथ जिले के सांसद को कि मीडिया के सामने आकर के वो हमसे खुली चुनौती मंधान डैम के बारे में चर्चा करें। एक एक बात की चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, सक्षम है, एक एक आंकड़े देने को तैयार है कि किस तरीके से काम में अड़ंगे लगाए थे। और इसलिए आज 4 जून को आकर के यहाँ हमने 11वीं वर्षगांठ को मनाने का काम किया है। यहाँ आके क्षेत्रवाइज संदेश देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी हमारे अमरवाड़ा और बिछुआ विकासखंड में आए थे, रात्रि विश्राम बिछुआ उन्होंने किया था, वहाँ उनसे हमने निवेदन किया है कि डैम पूरा होगा, इसका लोकार्पण करने के लिए वो परासी आएंगे और इसलिए तीव्र गति से काम चल रहा है। इस बारिश में इसका पूरा जो भराव होगा, इस बारिश के बाद से कंटिन्यू पानी का जनता को मिलने का काम इस डैम के माध्यम से होगा। अभी भी हमने पिछली जो बारिश हुई थी इसमें डैम में जो पानी भरा था, ट्रायल बेसिस पे विभाग ने एक सप्ताह उस पानी को देने का काम किया है। और इसलिए आज हमारे बीच जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं और हमारे जो नारदा के विधायक हैं, जो इसकी पाइपलाइन वहाँ से वहाँ तक पहुँची डुंगरे दांतला तक, वो पाइपलाइन के माध्यम से भी डुंगरे दांतला तक इसका पानी जाएगा, जिससे कोयला अंचल के पानी की स्थायी निदान हो जाएगा, जिससे पानी समस्या हल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 14 वर्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार के पूरे हो गए, 4 साल मोदी जी सरकार के 26 वर्ष के पूरे हो गए, तो पूरे प्रदेश में पूरे देश में विकास यात्रा निकाली गई है। और इसे परासर विधानसभा विकास यात्रा की शुरुआत आज मंधान डैम से जिला पंचायत अध्यक्ष जी की नेतृत्व में जुन्नारदेव विधायक जी के सहयोग से हम लोग यहाँ से इसको प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि ये विकास का ऐसा मील का पत्थर है मंधान डैम, जिससे परासिया और जुन्नारे दोनों विधानसभा को पानी मिलेगा। इसलिए पुनः 7 जून से जो पदयात्रा हमने शुरू की थी उससे लेकर आज तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज के अन्य संगठनों का, अन्य लोगों का, समाज के सब वर्ग के लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग हमें मिला है, उसके लिए उनको धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से हम सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में इस प्रदेश में बने और मोदी जी के नेतृत्व देश से भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, ऐसी क्षेत्रीय जनता से अपील करते हुए क्षेत्रवासियों को इस कांवड़ यात्रा की मंधान डैम की 11वीं वर्षगांठ पर आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।